पराग दुनिया में फेमस है, लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। अगर सच कहूं तो ये सब हमें एक सपने जैसा लगता है। पराग एक चंचल नटखट लड़का। आज पराग को देख के हम सोच भी नहीं सकते कि वो बचपन में कैसा था। स्कूल में पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा, पास होना उसके लिए बस था। मार्क्स कम मिलने के कारण मम्मी के गुस्से का सामना करना पड़ता था, फिर मुंह चुरा कर भाग जाता था। मजा मस्ती यही उसके शौक थे बचपन में। फिर जाने अचानक क्या हुआ, उसकी हंसी कहीं खो गई। उसने डॉक्टर बनने की ठान ली और जमकर पढ़ाई शुरू कर दी। शायद उसी पल पराग बड़ा हो गया। पापा ने उसके साथ और उसके लिए बहुत मेहनत की। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो करो, हम नन्ना बालक है, हम पे थोड़ी दया तो करो, हम नन्ना बालक है, डिसिप्लिन इतना, डिसिप्लिन इतना, खुद खुशी के लायक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। दोस्तों की जगह किताबों ने ले ली। उसे बहुत बड़ा बनना था। सब कुछ इतने जल्दी बदल गया कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही वो बचपन का बदमाश पराग है। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो। 1992 पराग पास्ड हिज एमएस एग्जाम्स विद अ गोल्ड मेडल एंड स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी। इट वॉज अ वेरी प्रेशियस मोमेंट फॉर द फैमिली। और अब वक्त आ गया था शादी करने का। घर वाले पराग को लड़कियां दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर इस राजकुमार को कोई राजकुमारी चाहिए थी, वो भी समबड़ी वेरी स्पेशल। और यहां हुई एंट्री अर्चना की। पराग और अर्चना मिले। परफेक्शनिस्ट पराग ने हाँ बोलने में काफी वक्त लगा दिया, लेकिन अर्चना ने पहले ही मुलाकात में ठान लिया था कि शादी करूंगी तो इसी से। और फिर उसने पराग को मना ही लिया। 26 दिसंबर 1995 को अर्चना और पराग की शादी हुई। शादी के दिन पराग ने अपने मनपसंद गाने के जरिए आने वाली जिंदगी की एक खूबसूरत तस्वीर अर्चना को दिखाई। What a touching moment it was. पराग actually sang for her. जानना चाहते हैं आप वो कौन सा गाना था? चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। पराग ने अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए एकेडमिक्स और रिसर्च में बहुत ध्यान दिया, वक्त दिया। अब पराग पूरी तरह से हॉस्टल के कामकाज में व्यस्त होने लगे। नई नई कल्पनाएं उनके दिमाग में आने लगी। पिताजी डॉक्टर संचेती ने अपने पुत्र में एक चमक देखी और धीरे धीरे पराग पर सारा दायित्व सौंपने लगे। उन्हें चेयरमैन बना दिया। डॉक्टर पराग ने भी अपने पिताजी के विश्वास को चार चांद लगा दिए। आधुनिक उपकरणों से सुसज्ज संचेती हॉस्पिटल को एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाकर डॉक्टर पराग ने उसे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया।
संचेती हॉस्पिटल के सभी सहयोगी डॉक्टर मित्र आज उनके साथ हैं। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। आज पराग बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन बने हैं। इंटरनेशनली उन्होंने बहुत नाम कमाया है। जैसे आमिर खान कोई भी रोल जान लगा के करते हैं, वैसे ही पराग अपना हर कोई रिश्ता दिल से मन से निभाते हैं। फिर क्यों ना वो रिश्ता बेटे का हो या फिर पति का या भाई का, दोस्त का या फिर चेयरमैन का। आज जिंदगी में सब कुछ है, खुशियाँ ही खुशियाँ है। दो अनमोल रतन है, अमन और अनाया। जिंदगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो तो हमेशा अपनी दिल की सुनो। और अगर दिल से कोई आवाज ना आए तो अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ और बाबा का नाम लो, फिर देखना आप हर मंजिल पा सकोगे। जीत तुम्हारी ही होगी, सिर्फ तुम्हारी। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है कोई बेकार है। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। हैप्पी बर्थडे मिस्टर परफेक्शनिस्ट, 50वां जन्मदिन है तुम्हारा। अभिनंदन हो तुम्हें हमारा, आसमां से ऊंचा हो लक्ष्य तुम्हारा, चांद तारों सा चमके भाग्य सितारा। जो दिल से लगे उसे कह दो हाँ।